हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है? क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। खोजत खोजत सीय को कपि पहुंचे उस धाम, शंख चक्र तुलसी जहां, निश्चय उस घर राम 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 राम। हे राम, जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप, हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे आए? आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर, प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न, सो भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जहां तक लंका में रहने का प्रश्न है, तो हे महात्मा, मैं उसी प्रकार यहां रहता हूं जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है। किंतु इस दुखदायी अवस्था में भी एक ही आशा है कि एक दिन मुझे श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। बड़े विस्मय की बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये कैसा राज्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी,
और मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं। आप कोई हरिभक्त हैं, कोई देवता हैं, अथवा स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने यहां आए हैं? राम राम राम, आपने मुझे कहां पहुंचा दिया राजन। मैं तो एक अधम से अधम व्यक्ति हूं, एक ऐसे कुल का हूं जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा यह छद्म वेश है, मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। हे हनुमान, आपके इस गूढ़ उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन, सेवक सेवक को शीश नहीं नवाता, दोनों को अपने स्वामी के ही कार्य में रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूं। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूं, परंतु माता का कहीं पता नहीं चला। यदि आपको उनका कुछ पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। कपिश्रेष्ठ, यह आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे एक तपस्विनी की भांति रहती है। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं। अशोक वाटिका के बाहर बड़े बड़े महाभट राक्षस पहरा देते रहते हैं, इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी, और आप तो अकेले हैं। मैं अकेला भी उनके लिए बहुत हूं, परंतु मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता, नहीं तो यह पता लगने पर कि राम का कोई दूत सीता माता से मिलने आया है, वो लोग उन्हें कहीं और छुपा देंगे। फिर कुछ नहीं, मैं अपना रूप अति लघु कर लूंगा और रात के अंधेरे में चुपचाप माता के आसपास पहुंच जाऊंगा। एक बार उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे लूं, फिर मैं अपने दूसरे रूपों में रावण के योद्धाओं की शक्ति का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब सारा दिन कहीं छुपकर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम।